पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह जी के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले जी के निर्देशन में SDOP शिवनारायण मुकाती के मार्गदर्शन में रात को थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम टोरिया कला का आरुआ और फरविंद्र रावत अपने खेत की कोठी पर अवैध शराब से भरी हुई प्लास्टिक की दो कट्टियों को रखकर शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो खेत पर बनी पक्की कोठी में एक व्यक्ति दिखा जो अपने पास प्लास्टिक की दो कट्टी रखे हुए मिला। जिससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरुआ उर्फ अरविंद रावत, पिता पेर सिंह उर्फ परहार सिंह रावत, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम टोरिया कला, थाना करेरा, जिला शिवपुरी का होना बताया। उसके कब्जे के हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब से भरी प्लास्टिक की दो केन जिसमें करीब 45 लीटर कुल 90 लीटर कीमत 35,000 रुपए को जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 710/23 पंजीबद्ध किया। इनकी रही भूमिका, थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश शर्मा, उप निरीक्षक KP शर्मा, सह उप निरीक्षक अवोध टोपो, प्रभारी आरक्षक प्रभावती लोधी, आरक्षक दीपेंद्र सिंह, आरक्षक सुरेंद्र, आरक्षक आलोक जैन, आरक्षक हरेंद्र गुर्जर, आरक्षक अनूप, आरक्षक संजीव श्रीवास्तव। तो शराब माफिया पे कार्रवाई की है, बताएं। कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अरुआ और अरविंद रावत निवासी टोरिया कला का अपने घर पर भारी अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखे हुए हैं। उक्त सूचना पर दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से दो कैनों में 90 लीटर देसी हार पट्टी की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध जिला उधर की कार्रवाई भी की जा रही है।